नमस्कार, मैं अमित तिवारी आज आपको सोरोंजी सूकर क्षेत्र का संक्षिप्त महात्म्यम बताने वाला हूं। इस आदि अनार्य तीर्थ के विषय में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सोरोंजी सूकर क्षेत्र विश्व संस्कृति का यह वह प्रथम तीर्थ है जिसकी महिमा का वर्णन भगवान विष्णु ने श्री वराह अवतार में स्वयं अपने श्री मुख से किया है। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने श्री वराह रूप धारण किया तथा दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर भूदेवी पृथ्वी का उद्धार किया एवं उसी स्थान पर पृथ्वी की पुनर्स्थापना की। पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने के पश्चात यह स्थान सूकर क्षेत्र सोरोंजी के नाम से विख्यात हुआ। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार इस तीर्थ में भगवान श्री वराह स्थायी रूप से निवास करते हैं। त्रेता युग की भागीरथी गंगा के अवतरण से पूर्व सतयुग में भी यहाँ हरपदी आदि गंगा विद्यमान थी। सोरोंजी सूकर क्षेत्र का उल्लेख श्री वराह पुराण से लेकर पद्म पुराण, श्री देवी भागवत और स्कंद पुराण समेत अनेक पुराणों में किया गया है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इसे तीर्थराज की उपाधि दी गई है। इसी तीर्थ में अगर कोई 1.5 घंटे प्रवास कर ले तो उसे किसी अन्य तीर्थ में किए गए 60,000 वर्षों के तप का फल प्राप्त होता है। सोरोंजी सूकर क्षेत्र एक ऐसा महातीर्थ है जिसका 5 योजन अर्थात 60 किलोमीटर में विस्तार है। इस महातीर्थ में अनेकों अंतर्वर्ती तीर्थ शामिल हैं। प्रत्येक तीर्थ का अपना एक पौराणिक महत्व है। इन अंतर्वर्ती तीर्थों में श्री हरपद आदि गंगा से लेकर श्री वराह तीर्थ, श्री वैवस्वत तीर्थ अर्थात सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ, चक्र तीर्थ, विश्राम तीर्थ, ग्रद्ध तीर्थ, शाकोटक तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, हंस तीर्थ, वस्त्रकीणा तीर्थ, रूप तीर्थ, योग तीर्थ समेत अगे अनगिनत अंतर्वर्ती तीर्थों का उल्लेख विभिन्न पुराणों में मिलता है। ये सभी तीर्थ सोरोंजी सूकर क्षेत्र में होने वाली पंचकोशी परिक्रमा की परिधि के अंदर ही स्थित हैं। सोरोंजी के प्रमुख प्राचीन पौराणिक दर्शनीय और पूजनीय स्थलों की अगर बात करें तो यहाँ सतयुगीन हरपदी आदि गंगा है, भगवान विष्णु के तृतीय अवतार श्री वराह का प्राचीन मंदिर है, सूर्य की तपोस्थली सूर्य कुंड है, चंद्रमा की तपोस्थली दुग्धेश्वर मंदिर है, श्री हरि का निवास स्थान मोतिया स्थल है, सोलंकी वंश के राजाओं द्वारा निर्मित दुर्ग जिसमें प्राचीन सीताराम मंदिर है, विश्व के 4 वैदिक वृक्षों में से 1 सतयुगीन ग्रद्धवट है, श्री दुर्गा देवी की 108 सिद्ध पीठों में से 1 जया पीठ है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित और अभिमंत्रित आदि श्रीयंत्र है, वाश्रु स्थल के रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की गौचरण स्थली है, कपिल मुनि का पाताल लोक और राजा भागीरथ की गुफा है, महाप्रभु बल्लवाचार्य और विठल नाथ जी की बैठक है तथा साथ ही अनेकों प्राचीन और पौराणिक मंदिर हैं जो सोरोंजी में स्थित हैं। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो सोरोंजी मनु शत्रुपा के पुत्र एवं ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद की राजधानी रही है। 6 शताब्दियों पूर्व सोलंकी वंश के राजा प्रथम राजा व आदिपुर हरिदेव के पुत्र वेणु चक्रवर्ती चालुक के सोलंकी की राजधानी रही है। सोरों राजधानी के आधिपत्य में कभी अंग वंग कलिंग मगध पाटलिपुत्र कुशहा कुशाव्रत कन्नौज पांचाल प्रयाग मालय लाहौर इंद्रप्रस्थ ब्रज पूर्व दिशा जैसे राज्य भी थे। अनादिकाल से यह तीर्थ अनेक देव ऋषि मुनि महात्मा महापुरुष कवि और साहित्यकारों की जन्मस्थली तपोस्थली व सत्संग स्थली रही है। श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास और उनके चचेरे भाई अष्टछाप के कवि स्वामी नंददास जी का जन्म स्थान सोरोंजी सूकर क्षेत्र में ही हुआ था। यहीं उन्होंने अपने गुरु नृसिंह और से अध्यात्म और गुरु हरिहर से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली का जन्म भी सोरोंजी के निकट बदरिया ग्राम में हुआ था। कालांतर में कपिल मुनि से लेकर देवर्षि नारद भृगु ऋषि मार्कंडेय ऋषि राजा भागीरथ गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र भगवान राम शतदन भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ गुरु द्रोणाचार्य आदि शंकराचार्य महात्मा बुद्ध रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य वल्लवाचार्य चैतन्य महाप्रभु विट्ठलनाथ जी गुरु नानक देव जी गुरु हरगोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी मीराबाई देवरा बाबा स्वामी बिरजानंद और दयानंद सरस्वती समेत अनगिनत देव ऋषि मुनि महात्मा महापुरुष कवि साहित्यकार व विभिन्न धर्म प्रवर्तकों ने सोरोंजी सूकर क्षेत्र की पवित्र और पावन भूमि पर जब तब सत्संग अध्ययन लेखन पर प्रवास किया है। मृत आत्माओं के मोक्ष और अपने पितरों के अस्थि विसर्जन के लिए देश भर से असंख्य श्रद्धालु प्रतिदिन
सोरोंजी में आते हैं। सोरोंजी टूकर क्षेत्र की हरपदी आज गंगा में विसर्जित होने वाली अस्थियां 72 घंटे के अंदर ही रेण रूप धारण कर लेती हैं। प्रत्येक अमावस्या, सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, रामनवमी, मुचिता एकादशी आदि प्रमुख धार्मिक पर्वों पर अवसरों पर देश भर के तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं व कांवड़ियों का इस तीर्थ में आवागमन होता है। सोरोंजी में लगने वाला मेला मार्गशीर्ष विश्व संस्कृति के प्राचीन मेलों में से एक है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित और उनके द्वारा किए जाने वाला पांडित्य कार्य और वंशावली प्रबंधन समूचे जगत में विख्यात है। तो ये था इस आदि अनादि तीर्थ का संक्षिप्त महात्म्य। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।